ये ऐसे सबसे
संख्या है आपकी, ठीक है। दूसरा अपने पास में क्या आ रहा है, विषम संख्या एक तीन पांच सात नौ, ठीक है, ग्यारह और आपके तेरह पंद्रह, ये कौन सी संख्या आती है आपके विषम संख्या है आपकी। ये सभी क्या है आपके परमाणु क्रमांक पर डली, ये सभी क्या है आपके परमाणु क्रमांक के यहाँ पर मैं लिखा, मैंने लिखा है क्या लिखा है डली परमाणु क्रमांक के यहाँ पर आपको उसके लिखा है, ये सभी परमाणु क्रमांक यहाँ पर दिए हैं। आप देखिए अब किस तरीके से मैंने ये लिखे हैं वो देख लो कि जैसे आपके सम संख्या है दो, सम संख्या है दो मतलब जिस भी परमाणु का परमाणु क्रमांक आपके सम है जैसे दो है चार है छह है आठ है दस है बारह है चौदह है, तो ऐसे परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का परमाणु भार जब लिखते हो तो उसे किससे गुणा कर दो, दो से गुणा कर दो या उसे जस्ट क्या कर दो डबल कर दो। जैसे परमाणु क्रमांक दो है इसका इसको मैं क्या करता हूँ दो से गुणा कर दूँ इसका डबल करता हूँ, ठीक है, तो दो दूनी चार दो डबल कर दे इसका कितना हो गया चार, चार का डबल कर दूंगा तो आठ, ठीक है, छह का डबल कर दूंगा तो बारह, आठ का डबल कर दूंगा तो सोलह, दस का डबल करता हूँ तो आपकी कितना आता है बीस और बारह का करता हूँ डबल इसका आता है चौबीस और चौदह है जिसका डबल करता हूँ तो आपके आता है अट्ठाईस, तो इसके चार आठ बारह सोलह बीस चौबीस और अट्ठाईस इस तरीके से इसके क्या होते हैं जस्ट डबल हो गए। इसके अंदर आपको कोई परिवर्तन नहीं करने हैं। जो परमाणु क्रमांक सम संख्या में है जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि हीलियम जो है हीलियम का परमाणु परमाणु भार कितना होगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका हीलियम का परमाणु क्रमांक जो है ये सम है या विषम है, तो मैं कहता हूँ ये सम संख्या है, असम संख्या है इसका जस्ट डबल में लिखूंगा चार लिखूंगा, इसके अंदर कोई चीज आपको नहीं करना है जस्ट डबल आपके यहाँ पर लिखा है तो ये डबल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लिथियम की, क्या लिखे हैं सम संख्या है विषम संख्या है, विषम संख्या है विषम संख्या की बात अभी हमने नहीं किए, विषम संख्या को छोड़ो आपके चार जो है ये भी क्या है आपके सम संख्या है, क्या है आपके सम संख्या चार में आठ डबल हो गया जस्ट आठ, तो बेरियम का कितना हो गया आपके आठ हो गया, क्या हो गया बेरियम का आठ आपके यहाँ पर परमाणु भार होता है जस्ट डबल, कार्बन का छह है तो छह का जस्ट डबल कितना हो गया बारह, आपके हाइड्रोजन है पांच है तो आपको यहाँ यही करना है कि सब पांच है तो पांच है डबल हो
यहां से आप पास नोइंग जो है ये भी एक विषम संख्या है, तो नो नंबर बैठा है तो नोइंग 18 में एक जोड़ कितना आ जाता है आपके 19, कितना आ जाता है 19 आपके यहां पर आता है। तो इस तरीके से आप लोग 1 से लेकर 10 तक परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो है वो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी, इसको छापो फटाफट से छापिए। छब्बीस ही रहेगा, एक ही जुड़ेगा आगे, सॉरी 26
सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है आपके सब संख्या है तो 14 अर्थात 28 कितने हो गए 28 फास्फोरस 15 15 का मतलब विषम संख्या मतलब 15 नहीं 20 20 में 31 कितना हुआ 31 31 के बाद में आपके क्या आता है 16 सल्फर 32 ठीक है आपके क्लोरीन 34 और एक 35 ठीक है और अगर 18 अर्थात 36 ठीक है पोटेशियम कितना हो गया 19 है तो 19 गुना 38 और 39 39 ठीक है और आपका कैल्शियम हो गया तो कैल्शियम कितना हो गया भाई डबल 40 सब संख्या है ठीक है उतारो इसको ये आ गया होगा उतारो उतारो बेटे अब देखिए बड़ी में एक चीज और नंबर आप 20वां आपके कैल्शियम कैल्शियम का आपके 40 है 20वां आपके कैल्शियम है कैल्शियम का कितना है 40 है अब एक चीज में आपको और नंबर नंबर बड़ी ये तो क्या है अपने अपन लोगों ने क्या किया अपनी सहूलियत के लिए थोड़ा सा इसी क्या करते हैं बिगाड़ लिया है क्या कर लिया इधर थोड़ा सा बिगाड़ लिया है और बिगाड़ने के लिए क्योंकि अपने लोग इनकी जो बिल्कुल तो है जैसे आपका क्या नाम है सोडियम जो है
26, 27, 28, 29 और ये 30, ठीक है। आप इस क्या अरे बेटा मुख्य तत्व तो कोई कुछ नहीं होगा बेटा, मुख्य तत्व सारे हो गए, ये सब यूजफुल तत्व है बेटा। आगे देखिए आगे आपकी किस्म क्या है, आपके स्टेडियम आपके जो 22 जो है वो क्या है आपके पहले ठीक है।